जय माता दी साचे दरबार की जय। हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका एक नए ब्लॉग के अंदर। और हिमाचल की अपनी यात्रा पे मैं आज आ पहुंचा हूं माता के एक ऐसे धाम पर जहां पर बहुत ही अनोखे तरीके से उनकी पूजा की जाती है। जी हां, पूरे भारतवर्ष में यह ऐसा मंदिर है जहां पर माता की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई विग्रह नहीं है, बल्कि उनकी पूजा की जाती है अग्नि की जो ज्वाला होती है उसके रूप में। मेरे ठीक पीछे ही है माता के मंदिर की सीढ़ियां। आज हम थोड़ा सा लकी हैं क्योंकि कल रात को भी हमने यहां पे दर्शन किए थे, लेकिन उस वक्त हमें काफ़ी घूम कर वहां तक जाना पड़ा था, अच्छा खासा समय उसमें लगा था। लेकिन अभी सुबह सुबह यहां पहुंच गए हैं माता के फिर से दर्शन करने के लिए ज्वाला रूप में, ज्योति के रूप में। तो आज हमें यहाँ इस सीढ़ियों वाले छोटे रास्ते से फटाफट एंट्री मिल जाएगी क्योंकि हम सुबह सुबह यहाँ पे आए हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बातें जो है माता के धाम की मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं मंदिर मार्ग से उस नज़ारे को देखिए, उसके बाद में आपको अंदर लेके चलते हैं। चामुंडा माता के दर्शन करके पालमपुर वापस आके होटल से लिया सामान और फिर पालमपुर से शुरू की बस यात्रा ज्वालामुखी के लिए, जहाँ है ज्वाला माता की प्रसिद्ध शक्ति पीठ। ज्वालामुखी पहुंचकर बस स्टैंड से थोड़ा पहले ही उतरने का निर्णय लिया क्योंकि दिख गई थी गीता भवन पब्लिक ट्रस्ट की धर्मशाला। गीता भवन पब्लिक ट्रस्ट की धर्मशाला में हर बजट के अनुसार रुकने की व्यवस्था है। चार दिन से लगातार ट्रैवलिंग करने से थकान थी, इसलिए यहां पर बी ब्लॉक में एसी रूम ले लिया। मात्र 1000 रुपए में अच्छा रूम मिल गया। वैसे विंडो एसी वाले रूम्स वहां सामने की तरफ एन ब्लॉक में है, जिनका किराया है 800 रुपए। बाकी कम बजट वालों के लिए नॉन एसी रूम्स भी हैं, जिनमें डबल बेड और दरी वाले दोनों तरह के रूम्स हैं। पार्किंग के लिए काफी स्पेस है, आप अपने वाहन से आएं या टैक्सी या बस लेकर यहां सब पार्क कर सकते हैं। वैसे मंदिर से पहले आपको हर बजट वाले होटल्स जगह जगह दिख जाएंगे, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके होटल में पार्किंग नहीं है या आप सिर्फ दर्शन करने आए हैं, तो ज्वालामुखी मंदिर की मल्टी स्टोरी पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर सकते हैं। मंदिर वाली पार्किंग के ठीक सामने है हिमाचल टूरिज्म का होटल ज्वालामुखी, जो कि रुकने का और खाना खाने का अच्छा ऑप्शन है। इससे थोड़ी ही दूरी पर है ज्वालामुखी का बस स्टैंड। ये देखिए, ऐसा है ज्वालामुखी का बस स्टैंड और वहाँ सामने ही है ज्वाला माता के धाम तक जाने वाले मंदिर मार्ग का प्रवेश द्वार। तो यहाँ से शुरू होती है माता के मंदिर की एक छोटी सी यात्रा जो लगभग आधा किलोमीटर की है। जो मंदिर मार्ग जो है लगभग आधा किलोमीटर का है, तो हमें इसके ऊपर चल के जाना होगा और यही मार्ग हमें पहुँचाएगा माता के पास। तो आइए मेरे साथ। तो ये देखिए, प्रसाद की दुकानें हैं, पोशाकें हैं, माता की चुनरी है, सब कुछ है यहाँ पे। जय माता दी। दिन निकलता जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी। ये देखिए आप, इस मंदिर मार्ग पर भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। ये देखिए आगे है एक बंसल धर्मशाला, फोन नंबर यहाँ है, तो आप इस पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं। ऊपर से कवर्ड है तो धूप से बचे रहते हैं। और सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं माता के दर्शन। ये देखिए, जोड़ों के दर्द के लिए जो खास जो आयुर्वेदिक लहसुन होता है वो भी यहाँ मिल रहा है। और बहुत कुछ है यहाँ पे, सूखे मेवे हैं, ये देखिए सूखे हुए सेब, ये किशमिश हैं, और ये सूखे हुए बेर हैं, अखरोट, बादाम। ये देखिए ये क्या है, ये पनीर के फूल कहा जाता है इन्हें, शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए फायदा करता है। भाई साहब, ये पनीर के फूल क्या होते हैं एग्जैक्टली? ये पेड़ होता है ना? हाँ जी, पहाड़ों में होता है, उसको पनीर बोलते हैं। उसके फूल होते हैं, ये डायबिटीज की दवाई है। ओके, शुगर वाले पेशेंट्स के लिए। इसको खाना नहीं होता, इसको थोड़े से दाने लेके ना, इसको हाँ जी, इसको थोड़े से दाने लेके ना पानी के गिलास में भिगोना होता है इसको। हाँ जी, पानी के गिलास में भिगो के सुबह वो पानी पी लो। तो रात भर भिगो के रखना है, सुबह पी लेना है। सुबह पानी पी लो एक गिलास, बस इसको खाना नहीं है। क्या यूज नहीं होगा? क्या भाव आता है ये? ये आएगा 400 रुपीज पर केजी। 400 रुपए किलो है। ओके, ये देखिए माता को अर्पित करने के लिए जो सिंदूर है वो भी है यहाँ। ये है रंग बिरंगी यहाँ की पहचान, कुल्लू वाली टोपी। कल का जो डिनर है वो हमने यहीं किया था, रात्रिकालीन भोजन, जिसमें सब्जी जो थी बहुत ही शानदार थी, मिक्स वेज यहाँ की, आप भी ट्राई कर सकते हैं। लीजिए, बस पहुँचने वाले हैं। सामने दिखाई दे रही है माता के मंदिर की सीढ़ियाँ। जूते चप्पलों को रखने की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए आप प्रसाद जहाँ से लेते हैं
वहीं पर आप रख सकते हैं। साथ ले लिया है अभी, और चप्पलों को रखने की व्यवस्था यहीं भाई साहब के पास में है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, जहाँ प्रसाद आप लेते हैं आप वहाँ पर अपने शूज एंड स्लीपर्स रख सकते हैं। यहाँ से लोग माता की पवित्र ज्योति को लेके जाते हैं। जय माता दी, जय माता दी। माता के मंदिर में अंदर जाने का जो प्रांगण में जाने का द्वार है जस्ट पीछे है, और कल जो है अंदर प्रविष्ट होने के लिए हमें लग गए थे 3 से 4 घंटे, क्योंकि 2 आरतियों का समय हो गया था और आरती होती है लगभग 45 मिनट की। लेकिन आज सुबह आने का फायदा ये मिल रहा है कि हमें एंट्री बहुत ही आसानी से मिल रही है, 2 मिनट भी नहीं लग रहे हैं। तो जय माता दी। लीजिए, प्रविष्ट हो रहे हैं हम मंदिर प्रांगण में, और चलिए होते हैं प्रविष्ट शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी जी के अंदर। और शक्तिपीठ में होने का मतलब यही है कि यहाँ पे सती माता के शव का कोई ना कोई अंग या उनका कोई जो भाग था वह गिरा था। तो यहाँ पे गिरी थी माता की जीवा यानी कि जीव, जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती मैया के शव के 51 टुकड़े किए थे। क्योंकि सती मैया के शव को लेकर भगवान शिव जो है वो तांडव करने लग गए थे और सृष्टि के अंदर सब लोग भयभीत हो गए थे, तो उनको भयमुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने ऐसा किया था। और जहाँ पे माता के शरीर के 51 भाग गिरे वहाँ पे बन गई थी शक्तिपीठ, और यहाँ पे गिरी थी जीवा यानी कि जीव। और उसके बाद में माता जो है यहाँ पे ज्योति के रूप में प्रकट हुई थी, और इसीलिए यह स्थान कहलाता है ज्वालामुखी धाम, जिसे हम शॉर्ट में ज्वाला धाम भी कह देते हैं, ज्वाला माता कहा जाता है, ज्वालामुखी माता इनका पूरा नाम है। वो जो द्वार आप देख रहे हैं, लंबी लाइन जब लगती है तो कल रात को हमने उससे एंट्री ली थी, और उसके लिए हमें पूरा इस तरफ का ये जो चक्कर है मंदिर के पीछे का ये लगाना पड़ा था। तो इतना चक्कर हमें लगाना पड़ा था, लेकिन इतने से चक्कर को लगाने के अंदर हमें लग गए थे 3 से 4 घंटे। जी हाँ, लाइन जो है धीरे धीरे सरक रही थी, और जैसे ही आरती का समय हो जाता, 45 मिनट की आरती के दौरान भक्त जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि इतनी देर खड़े खड़े थक जाते हैं। पहले इस तरीके से कई बार फेरे खा के यहाँ वहाँ फिर उस तरफ जाते हैं, और वहाँ से फिर पहुँचते हैं उस जगह जहाँ है माता का मंदिर। तो लाइन अभी फिर भी छोटी है, थोड़ा समय ही लगेगा। और ये देखिए आप, ऐसा है नज़ारा, ऐसी है सुबह ज्वालामुखी धाम की, जहाँ विराजती है माता ज्वाला रूप में, माता ज्वाला जी। तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, कल रात को जब दर्शन किए थे तब नज़ारा दूसरा ही था। अब भक्तगण जो है धीरे धीरे अंदर मंदिर में प्रविष्ट हो रहे हैं। वहाँ से सामने आप कर सकते हैं माता ज्वाला जी के दर्शन। मंदिर का आंतरिक दृश्य ऐसा ही है जो आप अभी देख रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर। देखिए माता के मंदिर के शिखर को कैसे जगमगा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक प्राचीन वृक्ष है जो मौलसरी का है। जय माता दी, 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 जय माता दी। यहाँ जो आप मेटल के बने बब्बर शेर देख रहे हैं, इन्हें 2016 में 11वीं बटालियन डोगरा रेजिमेंट द्वारा मंदिर में अर्पित किया गया था, और साथ ही अर्पित किया गया था गर्भगृह के प्रवेश द्वार के सामने टंगा यह घंटा। घंटे के नीचे है यहाँ धातु के बने माता के चरण चिन्ह। मंदिर में प्रवेश करने और माता की ज्योति स्वरूप दर्शन करने के लिए अपनी बारी आने तक भक्तों के साथ भजनों का भरपूर आनंद लिया। अंदर शूटिंग की मनाही है, इसलिए इतने ही दर्शन कराना संभव है। तो दोबारा दर्शन करके हम आ चुके हैं गर्भगृह से बाहर, और इसके बाहर आते ही यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, ये देखिए, अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र। अम्बे माता की प्रतिमा के दाहिनी तरफ यहाँ है धातु का ये छत्र, जिसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा चढ़ाया गया था, लेकिन ज्वाला माता ने इसे कर दिया था अस्वीकार। ये घंटा नेपाल नरेश द्वारा ज्वाला माता को अर्पित किया गया था। मुगल बादशाह अकबर ने यहाँ पर जो छत्र चढ़ाया था, जो मैंने आपको दिखाया था, अब बताता हूँ आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। तो अकबर के समय में माता के परम भक्त हुआ करते थे, जिनका नाम था ध्यानु भगत। तो एक बार वो अपने साथ में बहुत सारे जो यात्रियों को लेकर निकल रहे थे,
जो एरिया था वो था चांदनी चौक वाला एरिया। तो वहां पर जब अकबर के सैनिक देखते हैं कि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे क्यों हुए हैं, तो वो पूछते हैं, तो ध्यानु भगत बताते हैं कि वो ज्वाला माता के जा रहे हैं इन सब लोगों के साथ में। अकबर के दरबार में पेश किया जाता है, वही सवाल किया जाता है, तो ध्यानु भगत बता देते हैं कि मैं तो मेरी ज्योता वाली जो माता है, बहुत चमत्कारी माता है, उनके दर्शन करने के लिए इन सबको साथ में लेके जा रहा हूँ। तो अकबर जो बोलता है कि अगर तुझे लगता है तेरी माता इतनी शक्तिशाली है, तो ये जो तेरा एक घोड़ा है मैं इसका सर काट देता हूँ, बोल देना तेरी माता को कि इसको फिर से जीवित कर दे। ध्यानु भगत कहते हैं बिल्कुल बादशाह ऐसा हो जाएगा, मुझे मेरी माता पर पूरा भरोसा है, बस आप इस घोड़े के जो शव को सुरक्षित रखिएगा कुछ दिनों तक। तो ध्यानु भगत अपने भक्तों की टोली के साथ में आते हैं यहाँ माता के धाम में, मत्था टेकते हैं, अरदास लगाते हैं और उनकी मन से की गई प्रार्थना माता पूरी करती है, यानी कि घोड़ा हो जाता है जीवित। अकबर जब ऐसा देखता है तो हतप्रभ रह जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। तो वह खुद यहाँ पर आता है माता के चमत्कार को देखने के लिए कि कैसे यहाँ पे अग्नि जो है, अग्नि रूप में माता इतने समय से विद्यमान है, कभी भी है अग्नि बुझती नहीं है। तो अकबर क्या करता है, सबसे पहले आगे ये जो लोहे के जो कड़ाए होते हैं इनसे अग्नियों को ढकाने का प्रयास करता है, बुझाने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें असफल होता है। कहा जाता है उसके बाद में अकबर ने यहाँ पर नहरें खुदवा के जल धारा से अग्नि को बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें भी वो होता है असफल। माता का चमत्कार देखकर अकबर जो है माता की महिमा समझ जाता है और यहाँ पर कहा जाता है कि उसने सवा मन का जो सोने का छत्र है वह चढ़ाया था, लेकिन वह छत्र तुरंत गिर जाता है और किसी अजीब सी धातु के अंदर बदल जाता है जिसके बारे में कोई नहीं कुछ जानता है। और उसका कारण यह है कि अकबर के मन के अंदर अहंकार का भाव था जब उसने छत्र अर्पित किया था। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम कहीं भी जाएं, किसी भी पवित्र स्थान पर जाएं, अहंकार को दूर छोड़ के आएं। दर्शन करने के बाद में ज्वाला मैया के हम आ गए हैं यहाँ सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर का जो शिखर है इसके बिल्कुल पास में आ गए हैं हम इस भाग में जहाँ पे है गोरखनाथ जी की डिगिया। बाहर जाने का रास्ता भी इसी तरफ है और साथ ही है गोरख डिब्बी का रास्ता। ये देखिए, ये है गोरख डिब्बी का आंतरिक भाग और यहाँ विराजित है बाबा गोरखनाथ जी की ये प्रतिमा। आइए चलते हैं अब गोरख डिब्बी तक, जो कि है एक छोटा सा जल कुंड जहाँ पर जल रही है मुख्य मंदिर की तरह ही ज्वाला माता की ज्वाला। अंदर जगह कम होने के कारण एक बार में 2-3 की संख्या में ही लोग दर्शन कर पाते हैं। अंदर शूटिंग की मनाही है इसलिए इतने दर्शन ही संभव है। गोरख डिब्बी जिसे कहा जाता है, आखिर वह गोरख डिब्बी क्यों कहलाता है, माता की जो 9 ज्वालाएं हैं ये यहाँ पर आखिर कैसे प्रकट हुई। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो योगी गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ जी थे, यह उनकी तपोभूमि हुआ करती थी और जिह्वा जो गिरी थी सती मैया की, उसके बाद में यहाँ पे अग्नि के रूप में माता प्रकट हुई थी। तो गोरखनाथ जी माता को कहते हैं कि माता भिक्षा मांग के लाता हूँ, आप तैयारी कीजिए और तब तक आप अपनी अग्नि को जलाए रखिएगा। तो कहा जाता है गोरखनाथ जी जो है उसके बाद में चले गए थे आगे गोरखपुर की तरफ और ऐसी मान्यता है कि उसके बाद में वो अभी तक लौटे नहीं है। सतयुग की वापसी होने पर वो यहाँ पर फिर से लौटेंगे क्योंकि माता आज भी उनका यहाँ इंतजार कर रही है। और गोरख डिब्बी के अंदर ही देखने को मिलता है एक और चमत्कार, वो है यहाँ पे माता की ज्योत के पास में ही है खौलता हुआ पानी का कुंड। जी हाँ, उसका जो जल है वह गर्म उबलता हुआ देखने पर प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही उसका स्पर्श किया जाता है वह बिल्कुल शीतल होता है। जो अंदर वहाँ पे पुजारी जी थे उन्होंने वहाँ से जल निकाल कर हमारे ऊपर थोड़ा सा छिड़का भी था और एकदम शीतल जल था वह, जो देखने पर हमें लग रहा था बिल्कुल उबलता हुआ। और इसका कारण बताया जाता है कि माता की कृपा से, माता की जो ज्योति है उसके प्रभाव से वह जल उबलता है, लेकिन बाबा गोरखनाथ ने उसके अंदर भभूति डाल दी थी तो जिससे वह स्पर्श करने पर शीतल प्रतीत होता है। तो यही है माता के इस धाम का एक और अनोखा चमत्कार। गोरख डिब्बी के पास में ही है यहाँ पे भोले बाबा का शिवलिंग, ये प्रतिमा भी है उनकी। जय माता दी।
जय हो गजानन गणपति गणेश। और यहाँ पे है हवन कुंड और यज्ञशाला, और आगे है नीलकंठ महादेव और बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर। आइए अब चलते हैं नीलकंठ महादेव और बजरंगबली के दर्शन करने। तो सामने विराजित है नीलकंठ महादेव जी और इस तरफ है बजरंगबली हनुमान जी। आइए अब चलते हैं शैया भवन में और करते हैं दर्शन। शैया भवन की आंतरिक दीवारों पर सुशोभित है माता के नव दुर्गा स्वरूप की प्रतिमाएं, और शैया कक्ष के मध्य भाग में है चांदी से निर्मित माता की शैया, जहां शयन करती है ज्वाला माता शयन आरती के बाद। मंदिर प्रांगण में ही किया जाता है बच्चों का मुंडन। ये देखिए, वो है माता की रसोई, जहां हमारा प्रवेश है निषेध। हम भी इसी तरह लाइन में लगकर दर्शन करने गए थे। माता जी के रक्षक हनुमान जी हैं द्वार के लेफ्ट साइड में और भैरव जी है वहां राइट साइड में। बात करते हैं मंदिर के इतिहास की। देखिए, ज्वाला मैया यहाँ पे कब से विद्यमान है यह तो कोई नहीं जानता है, लेकिन यहाँ पर मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था, किसने करवाया था, वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर ज्वाला मैया जो है अनेक ज्योतियों के रूप में प्रकट हो गई थी इस स्थान पर पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, तो एक चरवाहा घूमते हुए यहाँ पे आता है और वो देखता है माता के चमत्कार को कि ऐसे ही कंटिन्यूसली लगातार जलती हुई अग्नि की यहाँ पे अनेक ज्वालाएं हैं। इन ज्वालाओं को जलते हुए देख के वह चरवाहा हो जाता है आश्चर्यचकित। वह पहुंचता है उस समय के राजा भूमि चंद्र कटोच जो थे उनके पास में और उनको बताता है। तो उसके बाद में जब वो आके महाराज देखते हैं यहाँ पे माता का चमत्कार, तब वो करवाते हैं यहाँ पे माता के मंदिर का निर्माण। और उसके बाद में जब पंजाब के जो प्रतापी राजा थे महाराजा रणजीत सिंह जी, वो यहाँ पर आए थे, और जब वो यहाँ पर आए माता के दर्शन करने के बाद में कहा जाता है कि माता के मंदिर के शिखर को महाराजा रणजीत सिंह जी ने सोने से मंडवा दिया था। और उसके बाद में यहाँ कटोच वंश के जो एक और प्रतापी राजा थे संसार चंद्र कटोच, उन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। जो भी इसके अंदर मरम्मत का काम था वो उन्होंने करवाया था, इसको विस्तारित किया था। तो यह है मंदिर का छोटा सा संक्षिप्त इतिहास। अब देखिए ज्वाला माता का यह अद्भुत मंदिर कल रात कैसे जगमगा रहा था। जो भी यहाँ हिमाचल के प्रमुख नगर हैं, जिसमें शिमला हो गया आपका, पालमपुर है, या फिर आप आते हैं पठानकोट की तरफ से, तो आप यहां सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। हिमाचल के जो सभी प्रमुख नगर है उनसे यहां तक आने के लिए बस सेवा है, या तो डायरेक्ट होगी, वो नहीं होगी तो फिर कनेक्टिंग आपको बस मिल जाएगी जो हिमाचल परिवहन निगम की तरफ से चलती है। साथ ही आप आ सकते हैं यहां पर टैक्सी से या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से। तो सड़क मार्ग से आप इस तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आपके पास है समय की कमी और आप आना चाहते हैं वायु मार्ग से, तो उसके लिए आपके लिए नज़दीकी एयरपोर्ट है, वो है गग्गल एयरपोर्ट, जिसे कांगड़ा एयरपोर्ट भी कहा जाता है। तो वहाँ से आप फिर टैक्सी या बस द्वारा यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अगर आप आना चाहते हैं रेल मार्ग से, तो देखिए रेल मार्ग से बड़ी रेल लाइन द्वारा जो जुड़ा हुआ स्टेशन जो नज़दीकी पड़ता है वह पड़ता है पठानकोट। यहाँ तो आप पठानकोट तक ट्रेन से आइए और उसके बाद में आप बस से या टैक्सी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से ही आना चाहते हैं और आगे तक, तो पठानकोट से ही छोटी रेल लाइन द्वारा आप यहाँ पहुँचेंगे पहले मरांडा स्टेशन, जो कि पालमपुर के पास में है, और वहाँ से बाद में आपको बस या टैक्सी से यहाँ पे आना होगा। तो इस तरीके से आप पहुँच सकते हैं माता ज्वाला के इस धाम के अंदर, इस शक्तिपीठ के अंदर, जहाँ पे आप कर सकते हैं साक्षात दर्शन माता के चमत्कार का। आशा करता हूँ ज्वाला माता के इस पवित्र धाम के दर्शन करके आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हो माँ ज्वाला की।